हेलो एवरीवन, आज समर के लिहाज से और बच्चों की पसंद के हिसाब से चलिए ठंडी ठंडी मैंगो मिल्क शेक बनाते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इस रेसिपी को बच्चे खुद से बना सकते हैं। कमाल की बात यह है कि सारे इंग्रेडिएंट घर में हर वक्त मौजूद होते हैं, बस चीज़ों को असेंबल करना है, आइस क्यूब मिलाना है और लीजिए मिल्क शेक तैयार। मैंने इसको बनाने के लिए मिक्सी पॉट का इस्तेमाल किया है जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं इनमें किन किन चीज़ों को शामिल करना होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। सजावट की जो चीज़ें मौजूद ना हो उन्हें स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारी आइस क्यूब को रखा है, एक आइसक्रीम स्कूप लिया है क्योंकि आइसक्रीम की ज़रूरत होगी, साथ ही मैंने आधा आम लिया है जो कि कटी हुई और छिली हुई है, थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स हैं और पिसी हुई चीनी है। पिसी हुई चीनी आसानी से घुल जाती है। और यहाँ पर फुल क्रीम दूध है एक लार्ज कप में भरकर। अब मैंने मिक्सी का जार लिया जो कि हर घर में मौजूद होता है और इसी में हमें इस शेक को बनाना है। तो सबसे पहले हम अपने मिक्सी जार में सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। तो आम को डाल देते हैं, ये बहुत ही पका हुआ मीठा आम है इसलिए मैंने कुछ कम चीनी इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें मीठा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीनी लिया है। अब आप इसमें कटी हुई ड्राई फ्रूट्स मिला लें, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो चॉप करके डाल सकते हैं। यहीं पर दूध डाल दें, एक लार्ज ग्लास में बनाने के लिए एक बड़े कप दूध काफ़ी है। अब आइस क्यूब मिला लें, यहीं पर एक स्कूप आइसक्रीम डालें, आप अपनी पसंद से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता आइसक्रीम की फ्लेवर लिया है, आप अपनी पसंद से कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। अब इसे ढककर चर्न कर लें, आप देखेंगे कि बस एक ही मिनट में आपका मिल्क शेक बनकर तैयार हो चुका है। अब अपने ग्लास में इसे भर दें, देखिए ये कितना यमी और कितना मज़ेदार दिख रहा है। तो है ना ये आसान, कोई भी इसे झटपट बार बार और लगातार बना सकता है। तो अब इसे ठंडा ठंडा आइसक्रीम स्कूप के साथ सर्व करें। तो लीजिए ये मिल्क शेक तैयार है, बनाएं इसका इस समर में मज़ा लें, बच्चों को पिलाएं, मेहमानों को पिलाएं और अगर पसंद आए तो हमें लाइक ज़रूर करें। इस तरह से आप इस समर डिफरेंट कलर फ्लेवर और टेस्ट की मिल्क शेक तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।